गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। 2022 के फर्स्ट व्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपका नया साल बहुत अच्छा गया होगा। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मैं अभी इंट्रो यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक चीज दिखानी थी। ये देखो, मेरी बेटी ने रात में क्या किया है। देखो, रात के टाइम किंजा ये दीवार को कुरेद रही थी और मैंने ना इसके ऊपर टेप लगा दी। पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, इस पर टेप लगा दी तो ये इसको तो कुरेद नहीं पाई। बेड का पेंट छुड़ा दिया और यहाँ देखो दांत भी बना हुआ है इसका। यार ये कितने खतरनाक बच्चे हैं आजकल के। ये देखो यहाँ से भी निकाल दिया इसने। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ टेप लगाऊंगा तो बड़ी गंदी लगेगी यार। क्या करूं तुम बताना भाई, मुझे लगी है भूख। चलो चलते हैं किचन में, क्या हो रहा है देखते हैं। हाँ जी। अरे ये क्या हुआ, ये देखिए उस तरफ क्या हुआ। क्या हुआ ये, कैसा? हाँ ये कल तो ठीक था, पता नहीं कैसे हो गया ये। मम्मी हाँ। वो भी फटा पड़ा उधर भी। ये क्या हुआ? सारा फटा। तेरी लड़की है ना शैतानों की नानी। क्या किया उसने देख ले, नोचती है एक सेकंड में भाग के आती है, यही नोचती है, यही करती है। देखो इधर आओ, आपको देखो कल इसने और क्या किया है। इसने तो नुकसान करना स्टार्ट कर दिया। वो देखो मेरा बेड खराब कर दिया है। कहाँ ये, क्या किया आपने? इधर आओ, इधर आओ, जरा आपको दिखाता हूँ मैं आपने क्या किया है। किचन में क्या किया, रूम में क्या किया, बताओ। हाँ ये क्या किया आपने, इधर आओ, ऐसे आके बैठो। ये देखो ये क्या किया, ये क्या किया। हाँ ये क्या किया, देखो देखो देखो, आप करके बताएगी। ये देखो फाड़ दिया। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लो, मतलब बता रही है आपको कि मैंने ऐसे फाड़ा। हाँ ये देखो टाइगर बैठा है। हेलो टाइगर, सब तेरी आवाज सुन के तेरे को मिस कर रहे थे पिछली वाली वीडियो में। हाय बोलते जुबान निकाल के टाइगर। हाँ देखा कितना प्यारा कुत्ता है। चल खाना खाओ, चलो खाना खाओ, जल्दी खाओ खाओ। आज बड़े जल्दी खाना खा गए। यहाँ पर सरसों के साग पर काम चल रहा है और यहाँ किस चीज पर काम चल रहा है भाई? मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ अभी। किस चीज का? मैथ्स का। आपने बोला था नेटफ्लिक्स पर जो नई मूवी आई है डोरेमोन स्टैंड बाय मी, हाँ वो आप कब देखेंगे? आज जब किंजा सो जाएगी ना तब देखेंगे। अरे किंजा कब सोएगी? अभी सो जाएगी थोड़ी देर। अरे वो फैज कह रहा था कि वो स्टैंड बाय मी मूवी आई है ना नेटफ्लिक्स पर, वो देखनी है। अच्छा। तो किंजा अगर जागती रही तो देख, हमें तो कुछ देखने नहीं देगी। जब भी खुद टीवी देखती है तो हमें कुछ देखने नहीं देती। जब वो सो जाएगी तब देखेंगे। ठीक है, मैं बना रही हूँ राजमा और हमारे घर में राजमा सबको बहुत ज्यादा पसंद है। किंजा की वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा लेट हो जाता है खाना। खाना खाने का वेट कर रहा है और मैं इन्हें बोलूंगी कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ, फिर देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है। चलिए। हाँ भाई क्या हुआ? मैं खाने के लिए वेट कर रहा हूँ, इतनी देर हो गई है, खाना दे दे। खाने में तो 15-20 मिनट लगेंगे। अभी और 15 मिनट लगेंगे? हाँ और लग सकते हैं 15-20 मिनट। तो मुझे तो मैगी बना दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं वेट नहीं कर सकता। अरे भाई लेकर आ रही हूँ आपके लिए। मुझे सिंपल खाना बहुत पसंद है इसलिए राजमा चावल आ गए हैं मेरे लिए। साथ में टीवी चल रहा है और राजमा चावल, लेट्स गो। खाना वाना सब हो चुका है, किंजा दूध पी रही है और देखो अभी बिना देखो अपनी पोएम्स देख रही है, वो देखो। और अब हम लगाने वाले हैं डोरेमोन की मूवी। ये लोगों ने पी रखी है। इसका मतलब ये बड़े दिखाया है इसके अंदर ना, मतलब बच्चे नहीं है ये लोग सारे। मैं ठीक हूँ। हाँ तुम जैसी नहीं है। वो रा सुनियो, बेकार हो तुम लोग, इतनी इज्जत बचानी मुश्किल है, कल उसकी शादी है। ये सुनियो की आवाज है, कैसे लगी तुम लोग को सुनियो की आवाज? ठीक है, तुम शराबियों की तरह बोल रहा है। हाँ वो शराबी वाला ही शॉट चल रहा है ना। सो अभी अभी वो डायलॉग आया है, लेजेंडरी डायलॉग जिसको मैंने बनाया था और मैंने अभी तक आवाज दी है और आपने सुनी है मेरी आवाज में, मतलब वो लाइंस और वो डायलॉग्स। वो डायलॉग अभी आने वाला है, ये नए सुनियो ने बोला है और अभी अभी मैंने सुना। आपको भी मैं सुनाता हूँ कि ये नए वाले सुनियो की आवाज में वो डायलॉग कैसा लग रहा है, आप भी बताना कैसा लग रहा है। तुम्हें कैसा लगा? ठीक है ठीक है। आपका ज्यादा अच्छा है पर मेरी तो बात ही कुछ और है। आपको भी दिखाता हूँ देखो, काफी शानदार है ये और ग्रैंड पार्टी गार्डन काफी बढ़िया है। अरे डैड के दोस्त ने इसे खास आज के दिन के लिए बनाया है। किंजा सो रही है और इस वजह से हम लोग जो है मूवी देख पा रहे हैं। अभी एक और लेजेंडरी सीन आ रहा है जिसमें जियान ने गाना गाया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये जा रहा है जियान स्टेज पर। ये सुनियो आया, अरे मतलब
ये लेजेंडरी गाना है यार, ये जियान की है, मतलब वो जो टोन है ना वो कान में गूंज रही है जैसे वो गाता था मैं हूं जियान। तुम लोग को आ रही है यार पुराने वाले की? हाँ, याद आ रही है उन लोगों की, इसमें मजा ही नहीं आ रहा। अब ऐसा भी नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब ठीक है। हाँ, पुरानी बात कुछ और। एपिसोड्स में जियान गाता था उसकी याद आ गई। हाँ एक्चुअली वही ना, एपिसोड्स में जैसे वो गाता था तो वो सारा एकदम सीन दिमाग में आ रहा था। एनीवेज चलो आगे देखते हैं। अभी अभी सदफ ने मुझे चैलेंज दिया है। क्या चैलेंज है? आप टीवी म्यूट करो और सुनियो की आवाज को डब करके दिखाइए। ओहो लाइव डबिंग चाहिए? हाँ। आपको भी चाहिए क्या? अगर इस सुनियो को मैं अपनी आवाज देता तो ये सुनियो कैसा साउंड करता है क्या? आपको भी देखना है, कमेंट करके मुझे बताओ। अरे लेकिन कमेंट करके कैसे बताओगे? चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेट्स गो। अभी रिमोट कंट्रोल वाला सीन आ रहा है, सुनियो के डायलॉग आएगा। अब ये डायलॉग मैं बोलता हूँ, अगर इसे तोड़ा तो पैसे भरवाऊंगा। हाँ कैसा लगा? ध्यान से सुनो, नोबिता को मारने का हक सिर्फ हमें है। ओ क्या हुआ, होश में आओ। एक और डायलॉग आ रहा है, पहले स्कूटर से भी गिरा था। शायद सर पर चोट आई है, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अब ये डायलॉग मैं बोलता हूँ, क्या शायद इसके सर पर चोट आई है, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ। इतना काफी है यार, चलो। फाइनली ये मूवी खत्म हो गई। मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। तुम लोग बताओ कैसी लगी मूवी? अच्छी मूवी तो बहुत अच्छी थी। हाँ। पुरानी आवाजें होती तो और अच्छी लगती। तू बता गाइस। मैं तो कनेक्ट ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरे दिमाग में पुरानी मेमोरीज बसी हुई हैं। अगर पुरानी आवाजें होती आपकी और सोनल जी की, बाकी सबकी, तो अच्छी लगती और ज्यादा। हाँ तब मजा थोड़ा और आता ऑब्वियसली, क्योंकि हम कनेक्ट कर पाते। लेकिन एनीवेज बहुत अच्छी थी, सबकी आवाज बहुत अच्छी थी। बाकी सारी आवाजों के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। नहीं नहीं अच्छी थी, सुनियो की आवाज अच्छी थी, अच्छी सारी आवाजें अच्छी थी, लेकिन पुरानी आवाजें हमने बहुत मिस की। पूरी मूवी खत्म हो गई और ये देखो मेरा बच्चा, मेरी प्रिंसेस, डेढ़ घंटे से कैसे घोड़े बेच के सो रही है, अंगूठा नहीं छूटता इससे। आप में से भी कोई अंगूठा चूसता था क्या बचपन में? बताना मुझे कमेंट्स में। मूवी खत्म हुई तो मैं टाइम पास करने के लिए ऊपर टेरेस पर आ गया, मूवी देखी यार, और मैं तो बहुत इमोशनल हो गया यार। मतलब रोने वाला इमोशनल ही नहीं हुआ, वैसे वाला नॉर्मल वाला इमोशनल हुआ। बहुत याद आई यार मुझे मेरे पुराने दिनों की, और जब मैं सुनियों को आवाज़ देता था। मैं यार मूवी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाया, और मुझे पता है अगर आपने भी मूवी देखी होगी तो आप भी कनेक्ट नहीं कर पाए होगा, क्योंकि हम लोग सब पुरानी वॉइसेस के साथ जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं। और एकदम से नई वॉइसेस को सुनना और कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यार मुझे तो पुरानी वॉइसेस की बहुत याद आई यार, एंड स्पेशली द लेजेंडरी डायलॉग्स जैसे जियान का है या नोबिता का, वो रोना है, और मेरा तो मैंने आपको दिखाई दिया। सो यार मुझे तो बहुत याद आई यार पुरानी वॉइसेस की। आप बताना, आपने अगर मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, मतलब नई वॉइसेस के साथ क्या आप कनेक्ट कर पाए? मैं ये नहीं कहता कि कोई वॉइस खराब है, सारी वॉइसेस बहुत अच्छी हैं, इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन। तो कनेक्शन यार पुरानी वॉइसेस के साथ जो बना हुआ है वो नई वॉइसेस के साथ बनाना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। और यार मुझे तो बहुत रोना आ रहा था यार सुनियो को देखकर, मुझे सुनियो की याद आ रही थी। मतलब मैं तो खुद सुनियो यार, मैं ही सुनियो, कोई और सुनियो नहीं हो सकता। देखो मैं पहना भी ब्लू ही हूँ। सो आई एम द सुनियो, बस मेरे बाल नहीं है, तीन ट्राइंगल जो होते हैं मेरे बालों में सुनियो के, मतलब। अच्छा नई मूवी में वो तीन की जगह चार ट्राइंगल कर दिए, जरा ध्यान से देखना, आप भी ये चीज को नोटिस करोगे, मैंने भी ये चीज नोटिस की। खैर मैं इस बात से खुश हूँ कि मुझे मतलब आप का डायरेक्ट साथ मिल गया है, एंड यूट्यूब की वजह से मैं आप सबके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी, एंड आई होप कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे और हमेशा मेरा सपोर्ट करोगे, साथ दोगे। और जैसे डोरेमोन की टीम ने मुझे भगा दिया, अपनी जिंदगी से निकाल दिया, आपने निकालोगे, हमेशा मुझे अपने पास रखोगे, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा कंटेंट भी मैं देता रहूंगा। पार्ट ऑफ लाइफ चलता रहता है। मजा आया, मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन आई लव इट। God bless you. Oh, wow. मम्मा को जगा रहे हो? जगा दो, बोलो मम्मा। मम्मा को उठा दिया, अभी अभी तो लेटी थी मम्मा। हाँ
मम्मा को जगा रहा है या उठ तो गई हूँ मैं याया बाहर नहीं ले जा सकते थे आप इसे सोने नहीं दे सकते थे जरा सा अभी कह रही है अपनी मम्मा को उठाने के लिए क्या करें गाना गा ले अरे कैमरा बेटा अरे वही तो अल्ट्रा वाइट कैमरा वही कैच कर रहा है अभी गिरा दिया गिरा दिया ये क्या बोला ये क्या है वो क्या होता है आज 13 जनवरी है मतलब लोहड़ी है विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी लोहड़ी और अभी अभी मैं टेरेस पर आया हूँ ये देखने के लिए कि किसने अपने टेरेस पर बॉनफायर किया हुआ है लोहड़ी वाली आग जला रखी है मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है यार बहुत खतरनाक ठंड पड़ रही है आज दिल्ली में पूरा कोहरा छाया हुआ है दिखाता हूँ मैं आपको किस किसने अपनी छत पर आग लगा रखी है आ जाओ वहाँ देखो सामने वाले घर में लोग लोहड़ी जला रहे हैं पता नहीं आपको दिख पा रहा होगा या नहीं आग जलाने की कोशिश की जा रही है अभी फिलहाल और वहाँ पर भी वो देखो वो जल रही है लोहड़ी कोहरा खतरनाक पड़ रहा है देखो आपको दिख रहा होगा और सिर्फ 2 घरों में लोहड़ी जल रही है शायद ठंड की वजह से ज्यादा लोगों ने लोहड़ी वाली जो बॉनफायर होता है वो किया ही नहीं है बहुत सारे लोग करते थे नहीं तो अदरवाइज हर साल फैज अभी ना इससे मारने का पूछ रहा है कैसे मारते हैं ले सदा पकड़ी उसको बताता हूँ अभी सिखा रहा हूँ मैं इसको इसको ऐसे ऐसे करते हैं ठीक है उसके बाद मैं फैज को भी ट्राई करने के लिए दूंगा सुनना मेरे बच्चे दूर हट जा ऐसे करते और लेफ्ट तू करके देख मुझसे कह रहा था कि मुझे सिखाओ कैसे करते हैं लेकर ये कैसे करते हो आप बेटा ये तो टेक्निक है ये देख ऐसे करते हैं तुम्हें आते हैं कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पर फिनिश करते हैं। सदफ बिचारी को भी ले लेता हूँ मैं। आजा आजा आज के ब्लॉग में इतना काफी है। बेटा मत मारो पापा को, बहुत मारते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना एंड बाय बाय कर दिया किन्ना ने। बाय बाय बाय।